हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। मायसेल्फ सीए नितिन राजपाल, फैकल्टी ऑफ सीएमए फाइनल एसएफएम एट रुद्रा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हब। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपका सीएमए फाइनल एसएफएम सिलेबस 2022 का आज एग्जाम था, और एग्जाम के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए वो किस चैप्टर से आए, क्या उन्होंने इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड की गई वेटेज एंड सभी चैप्टरों को कवर किया, और लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या था, सॉल्यूशन क्या होंगे, किस किस चैप्टर से कितने मार्क्स की बात हुई, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। आइए दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूं। सबसे पहले जो आपका पेपर आया, मैं आपको ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि उस पेपर के अंदर दो सेक्शन है, एक सेक्शन ए है, एक सेक्शन बी है। सेक्शन ए के अंदर दो दो नंबर के 15 क्वेश्चन है, टोटल आपका 30 मार्क्स का है जी, जो कि कंपलसरी है, आपको करना ही करना है। और जो सेक्शन बी है दोस्तों, जो सेक्शन बी है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 8 तक क्वेश्चन नंबर है, और हर क्वेश्चन 14 नंबर का है, जिसके अंदर फर्दर दो पार्ट है 7-7 नंबर के, कोई भी 5 आपको करने हैं। कहने का मतलब, सेक्शन ए 30 नंबर का आपको अटेम्प्ट करना है, सेक्शन बी आपको 70 नंबर का अटेम्प्ट करना है, लेकिन सेक्शन बी के अंदर जो च्वाइस आपको मिलेगी वो 28 नंबर एक्स्ट्रा है, दो क्वेश्चन 14-14 नंबर के एक्स्ट्रा है, ये आपको देखने हैं। जैसे कि 14-14 के 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 70 नंबर, लेकिन आपको दे रखे होंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 14 मार्क्स ईच है वो है 7, तो किसी को भी 2 को छोड़ के आप बाकी कर सकते हैं। तो मैंने पूरे चैप्टर के बेसिस पे, जैसे कि मैं आपको शुरू से दिखाऊं, फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन आया वो कैपिटल बजटिंग से आईआरआर मेथड, इसके सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में प्रोवाइड करूंगा। और नंबर 2 जो है वो 2 नंबर का, वो आपका प्राइस क्या होना चाहिए, दैट इज ए इक्विटी वैल्यूएशन का है। देन फिर पोर्टफोलियो का, इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपको पोर्टफोलियो, फोरेक्स, डेरिवेटिव। मैंने जब पूरा की पूरा ये पेपर को देखा तो एक बात तो आप मान के चले, स्टडी मटेरियल में जितने भी चैप्टर है, जितने भी टॉपिक है, हर टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन कवर किया गया है। मतलब सिलेक्टिव स्टडी वाले, आज के टाइम में 2022 कोर्स में एबीसी एनालिसिस वाले बिल्कुल भी नहीं चल पाएंगे। अगर आपको एग्जाम 100% पास करना है तो आपको पूरा की पूरा सिलेबस कवर करके जाना होगा। दूसरी प्रॉब्लम उन बच्चों को आई होगी जिसने चैप्टर स्टार्ट किया फोरेक्स, चैप्टर स्टार्ट किया पोर्टफोलियो, चैप्टर स्टार्ट किया डेरिवेटिव, और पढ़ते पढ़ते बीच में थक गए, बाप रे बाप इतना बड़ा चैप्टर। मतलब जिसने 100% चैप्टर नहीं भी कवर किया होगा तब भी प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ऐसे एरिया से आए हैं जहां स्टूडेंट पहुंचते पहुंचते जर्नली थक जाता है। अगर मेरे से कोई पूछे कि भैया पेपर का लेवल, मैं कहूंगा मीडियम है, जिसने अगर 100% स्टडी करी होगी तो अटेम्प्ट कराया होगा। आइए मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से कहां से क्वेश्चंस आए। सीएमए फाइनल एसएफएम एग्जाम जून 2024, सबसे पहले चैप्टर है जी कैपिटल बजटिंग, उसमें से 18 मार्क्स का आपको देखने को मिला है। 18 मार्क्स कैसे हैं, 2 या 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के, और 7-7 नंबर के फर्दर कुछ क्वेश्चन है। इक्विटी वैल्यूएशन 9 नंबर है, इसमें 2+7 है, 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 7 नंबर का प्रैक्टिकल। पोर्टफोलियो के अंदर 7-7 नंबर के 2 सब्जेक्टिव प्रैक्टिकल आए हैं, और 4-4 नंबर के 2 आपको देखने को मिले हैं दोस्तों, दैट इज ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो 22 नंबर का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, 9 नंबर का म्यूचुअल फंड, डिजिटल फाइनेंस थ्योरेटिकल 4 नंबर का आया है, डेरिवेटिव 13 नंबर का,
4x9 नंबर का इस तरीके से चीजें आप देख सकते हैं, और ये आपको शीट सीए नितिन राजपाल टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। इसके बाद 4x अगेन 9 नंबर का है, सिक्योरिटाइजेशन से केवल 2 नंबर का है, आई थिंक यहां पर सिक्योरिटाइजेशन से देखना होगा, मैं आपको दिखाता हूं पेपर पे ले चलता हूं एक बार, मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा है सिक्योरिटाइजेशन से, कोई चीज टाइपिंग में हो सकता है ऐड नहीं हुई हो, वो मैं आपको एक बार देख लेता हूं। 2 नंबर का तो एक ऑब्जेक्टिव है जी, ये रहा द कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, ये है जी नंबर 1 ऑब्जेक्टिव, और एक सबसे लास्ट में जो 8 नंबर क्वेश्चन है उसमें थ्योरी है, स्पेशल पर्पज व्हीकल 4, ये मतलब कि सिक्योरिटाइजेशन से दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं तो 2+4 6 मार्क्स का है, टोटल 128 है, 28 नंबर की आपको चॉइस मिलेगी, वो आप देख लेना। 2 नंबर इधर उधर हो तो टाइपिंग थोड़ा सा एरर है, जो मैंने टाइपिंग में लिख के दिया हो सकता है थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लीजिंग 7 नंबर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, 7 नंबर का बोल्ड वैल्यूएशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन, पोर्टफोलियो प्लस डेरिवेटिव का मिक्स क्वेश्चन 7 नंबर का, 4x प्लस डेरिवेटिव का मिक्स क्वेश्चन 7 नंबर का, और कैपिटल मार्केट ये 5 नंबर का आपको कैपिटल मार्केट दैट इज वो जो इक्विटी जीडीआर थियोरेटिकल क्वेश्चन आया कैपिटल मार्केट से 5 नंबर का। आइए मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, ये शीट आपको वहां से मिल जाएगी, देखिएगा मीडियम लेवल है, कुछ स्टडी मटेरियल से भी क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि 2022 का स्टडी मटेरियल और 2016 का स्टडी मटेरियल भी मैंने कवर करा रखा है, तो कुछ 2016 के एज इट इज भी क्वेश्चंस हैं, ध्यान से आपको देखना होगा। तो पहले तो 15 2-2 नंबर के हो गए, सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी, चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। 2 का ए कैपिटल बस्टिंग का है, 2 का बी मिनिमम लीज रेंट फाइंड आउट करने का है, 3 का ए अगेन आपका कैपिटल बस्टिंग है, 3 का बी इक्विटी वैल्यूएशन कुछ नहीं, नथिंग इज द प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने का है, प्रेजेंट वैल्यू इक्विटी वैल्यूएशन का, ये आपका बॉन्ड वैल्यूएशन का आ गया, बॉन्ड वैल्यूएशन ये शार्प मेजर ये म्यूचुअल फंड के अंदर आ जाता है, पोर्टफोलियो प्लस म्यूचुअल फंड, स्टैंडर्डाइजेशन ये देन अगेन आपका पोर्टफोलियो का है, 2 फैक्टर पोर्टफोलियो का अगेन पोर्टफोलियो, ये पोर्टफोलियो प्लस डेरिवेटिव का मिक्स क्वेश्चन है, ये आपका डेरिवेटिव का क्वेश्चन है सिंपल, ये आपका 4x प्लस डेरिवेटिव का है, फॉरवर्ड मार्केट कवर और करेंसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज द 4x प्लस डेरिवेटिव का मिक्स, अक्सर लोग करेंसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो 4x प्लस डेरिवेटिव के लास्ट में क्वेश्चन हम करते हैं वहां पहुंचते पहुंचते थक जाते हैं, लेकिन अगर आपने पूरा पढ़ा होगा तो दिक्कत नहीं आई होगी। फिर ये अगेन 4x का है, और लास्ट में एक 14 नंबर की जो थ्योरेटिकल आई है डिजिटल फाइनेंस से है, जीडीआर को डिफाइन है और सिक्योरिटाइजेशन का एसपीवी को डिफाइन करने आया है, ये आपको देखना है, ठीक है जी। तो किस नंबर से कितना, तो पहली बात मैं आपको कहूंगा कि वेटेज यस इंस्टीट्यूट ने सभी चैप्टरों को कवर किया है, किसी को भी अनटच नहीं छोड़ा है। दूसरी बात जो एक मन में डर था बार बार आपके कि भैया नए चैप्टर, तो नए चैप्टर बस 2 ही आप मान के चले, इक्विटी वैल्यूएशन बॉन्ड वैल्यूएशन पहले भी कहीं ना कहीं कवर हो जाते थे, और थियोरेटिकल की अगर हम बात करें नए चैप्टर तो डिजिटल फाइनेंस और सिक्योरिटाइजेशन, तो ये 4 चीजें अलग से आपको देखने को मिली। ये सारी चीजें इसका पूरा सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, और एक बात इस पेपर को देख के मैं आपको कह दूं, नंबर 1 फाइनल के पूरे सिलेबस को पढ़ते पढ़ते थकना नहीं है, और ए से लेके जेड तक सारी चीजें कवर करनी है,
तभी जाके आप फर्स्ट टाइम में सीएम में बन पाएंगे, अच्छे नंबर ले आएंगे। तो मैं आपका दोस्त सीए नितिन राजपाल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के साथ। टाटा बाय बाय।